लेडीज एंड जेंटमैन वी आर रीचिंग एट द मॉड्यूल वन एटी फोर विच इज अबाउट द इंटेक्चुअल कैपिटल ह्यूमन कैपिटल एंड डिजिटल डिवाइड इंटलेक्चुअल कैपिटल क्या है मेरा इंटलेक्चुअल कैपिटल मेरी अक्लोशर नजरिया फलसफा उसकी बुनियाद पर बनता जब ग्लोबलाइजेशन आई तो मेरी खैरत तो खत्म हो गई मतलब अकल मेरी अकल के साथ मैंने नई चीज़ बननी थी मेरा कल्चर अडोप्ट होना था आपने देखा होगा मराकश में आप चले जाएं तो उसका टाइल ही डिफरेंट है उसका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है वहाँ मज़ारात डिफरेंट है घरों का अंदाज़ डिफरेंट है चाइना चले जाएं वुडन स्ट्रक्चर पे बनती है अंदाज़ अलग है। आप इसी तरीके से ताजिकिस्तान तुर्कमानिस्तान चले जाएं कल्चर अलग यहाँ से सूडान चले जाएँ और अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाएँ आपके अंदाज ही डिफरेंट है खाने का निज़ाम डिफरेंट है घाना चले जाएँ वहाँ पर जो है उनके खाने के अंदाज़ और तरह के उनके सूप के अंदाज़ सालन के अंदाज़ वो डिफरेंट हो जाते हैं इधर आप चाइना और जापान की तरफ चले जाएं वहाँ पर नूडल के साथ ही उनके गुजारे हो जाते हैं लेकिन आप जो है वो कल्चर तब्दील होते होते भी फिर सूप के साथ ही बेस्ट रहा लेकिन कल्चर फिर डिफरेंट है तो मेरा इंटेलेक्चुअल कैपिटल फिर ह्यूमन कैपिटल और बीच में आगे दरमियान में डिवाइड डिजिटल डिवाइड डिजिटाइजेशन ने ऑप्टिमाइजेशन शुरू की फेडरिक टेलर साहब के ज़माने से लेकर अब तक ऑटोमेशन शुरू हो गई उन्होंने कहा कि इंसानों की ज़रूरत क्या है मिनिमाइज़ करो मुझे इसके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं इसकी उंगली कट गई मुझे वेलफेयर देनी पड़ेगी उसकी आंख निकल गई मुझे वेलफेयर देनी पड़ेगी कोले की भट्टियों के ऊपर काम करेंगे मुझे तकलीफ देंगे इनके बाजू उतर गए तो वो इसको ओन करना नहीं चाहते इंसानों की तकलीफ ओन नहीं करना चाहते वेरास जो मजदूर है वो भी अपने मालिकों का एहसास नहीं करते क्योंकि मालिक उनका एहसास नहीं करते तो दोनों तरह की रिफ्ट खत्म हुई तो उस रिफ्ट का इलाज फिटिक टेलर साहब ने निकाला कि ऑटोमेशन होनी चाहिए मैक्सिमम ऑटोमेशन करेंगे रिबोटिक तो इंजीनियरिंग शुरू हो गई रिबोटिक इंजीनियरिंग शुरू हो गई तो डिजिटल डिवाइड आना शुरू हो गई आहिस्ता आहिस्ता डिजिटाइजेशन ने सब टेकअप कर लिया अब ह्यूमन माइनस हो रहा फ्रीलांसिंग पे खुश होने वाले लोगों आप याद रखो ह्यूमन माइनस हो रहा एक दिन आप भी माइनस हो जाएंगे क्योंकि सब तो सब का सब तो कंप्यूटर ने ले लेना और आपकी ह्यूमन प्रोडक्शन कहां जाएगी आपने इंसानों की इज्जत छोड़ दी सो क्रिटिकल फीचर ऑफ आई सी आर द करेक्टराइज इन द फॉलोइंग one is it is intangible it is consistent of value creating knowledge and it is usually an outcome of a collective practice this is what the uh, I see intellectual capital which is referred to the set of intellectual factor or comprising of the information knowledge and know how and the intellectual properties that knowledge and individual applied to produce wealth this is what uh, i mean capitalism ne nikala communism ne nikala or ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है वो मेरे डिजाइन मेरे शाख्साने मेरे नजरियात मेरे फलसफे मैंने स्टैंडर्ड दिए यानी ह्यूमन ने स्टैंडर्ड दिए मुझे डिजिटल आपका जो है आइडियाज जो है वो नए आइडियाज नहीं दे रहा मैं इंसान आइडिया दे रहा हूं तो डिजिटाइजेशन मेरे आइडिया पे होगी कंपोनेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपिटल अगर देख लीजिए तो इसमें क्या है जी कंज्यूमर कैपिटल है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल एसेट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इनोवेशन है स्ट्रक्चर कैपिटल है आर एन डी है एक्सप्लिसिट uh, नॉलेज है टेसट नॉलेज दो चीज़ें मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी जी टेसट नॉलेज वो है जो कि मैं बयान नहीं कर पाता जैसे वसीम अक्रम जो है वो स्विंगर कैसे करता है लाख सिखा ले, लेकिन वो नए लड़के आमिर को वो नहीं सिखा सका कि स्विंगर वैसा कैसे है उसका अपना स्विंगर अच्छा होगा लेकिन वसीम अक्रम जैसा स्विंगर नहीं होगा वसीम अक्रम लाख सिखाए वैसा नहीं हो सकता इसी तरह फज्जा जितना मर्जी अपने भतीजों को और भांजों को सिखा ले फजा जैसे पाया बनाता है वैसा पाया वो सिखाना चाहे भी तो नहीं सिखा सकता उसके अंदर है एक चीज अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कोई खास चीज करता हूं तो मैं सिखाऊं तो मैं सिखाना चाहूंगा मैं 300 परसेंट सिखाना चाहूंगा लेकिन ट्रांसफर नहीं कर पा सकता इसी तरीके से कि एक इंसान के अंदर खुदा ने एक खास खूबी रखी है वो उसी की है दिस इज वट कि वो 80 परसेंट तो बता सकता है 20 परसेंट टेसट में नहीं बता सकता इन एक्सप्लेसिव नॉलेज यू कैन ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्म दंड्रेड परसेंट नॉलेज आप एक इंडस्ट्री को बता सकते हैं ऐसे कर लो लेकिन आप कैसे चलाते थे वो कहते हैं जी वही इंडस्ट्री वही चीजें वही लोग वही ह्यूमन कैपिटल वही स्केल वही कॉस्ट अकाउंटेंट वही सारा कुछ वही स्ट्रक्चर वही प्रोसेस वही प्रोसीजर वाई नॉट मी वैट दर इज अ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड एक्सप्लेसिड नॉलेज यही मैं ऐसा कर रहा हूं कि जब डिजिटल डिवाइड आएगी तो जितना मर्जी कंप्यूटर तेज हो जाए चलाने वाले पर डिपेंड करता है घोड़ा घोड़ा नहीं होता सवार पर डिपेंडेंट होता घोड़ा जितना शानदार हो जाए सवार शानदार नहीं तो घोड़ा शानदार नहीं आगे चलिए जी फिर हम स्ट्रक्चर कैपिटल पे आते हैं एंड देन इज अ रिलेशनल कैपिटल आते हैं वन इज द ह्यूमन कैपिटल इसके ऊपर हम बात कर चुके इसके एक्सपीरियंस के ऊपर देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपिटल इंक्लूड द नॉलेज दैट फैक्ट्री ऑनलाइन वर्कर हैज डिवेलप ओवर मेनी स्पेसिफिक वे ऑफ मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट ये मैंने आपको जैसे बात की फिर कोका कोला की डिवेल्प की फिर उसके अंदर 1970 में जब बना था कोकाई तो कोक ने एक हंगामा पा कर दिया इटली से शुरू होते होते पूरी दुनिया में कि ऐसा सीरप है जो आपको एनर्जी ड्रिंक देता है और फिर एक ऐसा है जो रिप्लेसमेंट ऑफ दिस एल्कोहलिक ड्रिंक है फिर उसके बाद उसने बताया कि रिलैक्सेशन के लिए मूड फिंगर्स को चेंज करने के लिए और इसने हंगामा बचा लेकिन उसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल आज भी कोक कोक है पेप्सी पेप्सी है मैकडोनल्ड अलग है के अलग है तो ये जो एक पूरी वेव चली थी अलग अलग चीजों की उसका कैपिटल आज तक इंसानों ही के पास है वो अलग बात है कि एक बड़ा फ्रॉड हुआ मैकडोनल्ड के साथ उन दो भाइयों के साथ उनको एक परसेंट मिल रहा है जिनका जिनका ये आइडिया था और निन्यानवे परसेंट उसको मिल रहा था जो चोर था आज भी यही हो रहा है तो जितने बड़े महकिन थे उनकी कमाल की किताबों को किसी ने नहीं देखा चोर के नाम से वो किताबें मंसूब हुई और ने बेशुमार हमारा जो है वो अरबी का फलसफ़ा लेकर मगरब में कन्वर्ट कर लिया और वो मुश्तरकिन के नाम से मशहूर हो गए और बड़े बड़े नाम बन गए उन्होंने एवरोस को हमारे अबुलफज़ल अबुल फजल अबुल, अबुल को एवरोज़ कर दिया एवसना कर दिया तो नाम तो तब्दीली हो गई लेकिन फ़लसफ़ा तो यहाँ से था तो वो फलसफे तब्दील हो भी जाएँ

आप स्पीड तेज होने से चीज़ों को तेज कर सकते हैं मैं अपनी एग्जाम्पल लेता हूं मेरे पास काफ़ी चीज़ों की अवेलेबलिटी मैं प्रिंट्स ले सकता हूँ मेरे पास डिजिटल एक्सेस भी है नॉलेज भी है मेरे पास इतनी इंफॉर्मेशन की एक्सेस है और मेरे पास प्रॉम्प्टर भी लग जाए लेकिन तो दिमाग तो मेरा होगा ना उस वक्त जो मैंने ट्रांसफॉर्म करके इंफॉर्मेशन मैंने टीवी के ऊपर देनी है तो वो कहाँ से आएगी वो तो मेरा दिमाग है मैं हूँ मेरा ह्यूमन राइट right है मेरा कैपिटल है मेरा ह्यूमन कैपि कैपिटल है वो काम करेगा डिजिटल डिवाइड से तेजी जरूर हो सकती है लेकिन गैप फिल नहीं हो सकता क्रिटिकल सर्विस ऑनलाइन देखिए जी, उसमें स्किल्स आपने सीख ली आपने डिजी स्किल्स सीख ली आपने चीजें देना शुरू कर दी उसके अंदर आपको पता चल गया कि आपने क्या, क्या क्या करना ये सीखी जा सकती है लर्नेबल है लेकिन लेकिन सिक्सटी परसेंट जो है वो गैप था तो इसको आपने पूरा किया क्या आप डिजिटल गैप्स को पूरा करते हैं उससे क्या हुआ एक आ, साहब ने कहा कि डीजी जी स्किल इतनी शानदार है कि मीशत को कहें कि पेट्रोल को हज़ार रुपया कर दे ताकि लोग डीजी स्किल्स के ऊपर इतने ज्यादा आ जाए कि उनको जाना ना पड़े अल्लाह के बंदे ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से आएगी ह्यूमन स्किल कहाँ से आएगी कैपिटल स्किल्स कहाँ से आएंगी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगे So don't get into the so much extreme. So one edge is there and manages out three sixty degree difference is yoga. So this is how we need to understand the digital divide, the human capital, the intellectual capital, and moving on to understand the component of intellectual capital and the equation becomes the intellectual capital, human capital, and the digital divide we need to minimize this into इक्वेजन ये तीनों के तीनों जो है वह सिमिलर चले ताकि रिजल्ट और आउटकम्स आपके बेहतर आए थैंक यू वेरी मच